हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। फ्रेंड, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओएमआर शीट की एक्सपेक्टेड डेट 5th ऑफ अक्टूबर 2020 आ सकती है। अभी फिलहाल एनटीए की तरफ से कुछ ही देर पहले पब्लिक नोटिस जारी की गई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ओएमआर शीट पब्लिश कर दी गई है। ओएमआर शीट के साथ साथ रिस्पॉन्स शीट भी पब्लिश कर दी गई है, और ओएमआर शीट और रिस्पॉन्स शीट को चेक करने के लिए आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अकाउंट लॉगिन करना होगा। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं और उसे रिस्पॉन्स शीट से मिला सकते हैं। ओएमआर शीट और रिस्पॉन्स शीट को मिलाने के बाद यदि कोई क्वेश्चन आपको क्लेमेबल लगता है, यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका रिस्पॉन्स एनटीए की तरफ से गलत कैप्चर किया गया है, तो उसके लिए आप क्लेम भी कर सकते हैं। और क्लेम करने के लिए लास्ट डेट 7th ऑफ अक्टूबर 2020 रखी गई है। 7th ऑफ अक्टूबर 2020 से पहले ही आपको अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो भी एनटीए ने इस नोटिफिकेशन में दी है। क्या प्रोसीजर है जो चैलेंज करने के लिए, वो देख लेते हैं। चैलेंज करने के लिए आपको सबसे पहले एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट www.ntaneet.nic.in पर जाना है, अकाउंट लॉगिन करना है। अकाउंट लॉगिन के दौरान आपसे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मांगा जाएगा। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद आपको सबमिट बटन क्लिक करना है, और सबमिट बटन जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज पर नेविगेट किया जाएगा। जिस पेज पर आपको नेविगेट किया जाएगा उसमें आप लेफ्ट पैनल में देखेंगे ओएमआर चैलेंज लिंक आएगा। उस ओएमआर चैलेंज लिंक को क्लिक करना है, और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है या आपको ऐसा क्लेमेबल क्वेश्चन है आपके अकॉर्डिंग, उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। जैसे ही आप जिन भी क्वेश्चंस को आपको डाउटफुल लग रहा है या क्लेमेबल लग रहा है, उन्हें आप सिलेक्ट करें, सबमिट करें और पेमेंट ऑप्शन में जाकर के पेमेंट को कंप्लीट करें। पेमेंट क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस आप सिलेक्ट करते हैं, हर क्वेश्चंस के लिए 1000 रुपीज का पेमेंट आपको पे करना पड़ेगा। हालांकि वो अगर क्लेम जो आपने किया है वो क्लेम अगर सही साबित होती है तो वो 1000 रुपीज हर एक क्वेश्चन के आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज वो क्लेम अगर गलत साबित होती है तो वो 1000 रुपीज नॉन रिफंडेबल है, वो आपको रिफंड नहीं की जाएगी। तो यही फिलहाल अभी की अपडेट है जो एनटीए की तरफ से रिलीज की गई है। यदि कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले अपडेट पाने के लिए, और यदि आपको काउंसलिंग को लेकर के कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी डाउट हो जो आपको हमसे पूछना हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। पेड काउंसलिंग के लिए दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।